एक बड़े स्तर पे मैंने चर्चा की थी टारगेट को लेकर के। तो आवाज़ से टारगेट है, टारगेट में क्या क्या करना है ध्यान रखिएगा। आज से ही आपका ये प्रोग्राम चालू हो रहा है। देखिए, इसमें मैंने कहा था कि दो सेक्शन लेकर के हम चलेंगे। एक तो साप्ताहिक कार्यक्रम है, ये पहला सप्ताह है आपका वीक 1। तो इसको लेके दो चीज़ों को लेके आपको काम करना है। पहला है बेसिक बुक, जो आपकी बेसिक बुक है वो भी आपको पढ़ना होगा कंप्लीट जितना मैं बताऊंगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो बेसिक बुक में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी देने की बात मैंने कही थी, और चूंकि ये पहला सप्ताह है तो आज मैं पहली एनसीईआरटी बुक जो पूरी कंप्लीट करनी है आपको, पहली एनसीईआरटी की बुक है आपकी और बहुत अच्छी बुक है ये। बुक है आपकी, मैंने तरीका आपको पढ़ने का बता रखा है, आपको मैंने टाइम टेबल भी बता रखा है। ये बुक आपकी ये है, बुक का नाम लिख लीजिए, क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी है ये, ठीक है। ये आपको पूरी कंप्लीट करनी है, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये एनसीईआरटी आप कंप्लीट करेंगे, पूरी फुल कंप्लीट करनी है। बहुत ज़्यादा है नहीं, ये इजी है। इसमें एक चीज़ है आपके ब्रेन को थोड़ा सा थिंक करने के लिए प्रयास, इसमें बहुत अच्छा लिख दिया गया है, थिंकिंग प्रोसेस वर्क करेगा इस एनसीईआरटी में। बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। चुन्नी और मुन्नी करके दो इसमें पर्सन है जो बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं बीच बीच में, तो उसके बारे में भी आप थिंक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मिनिमम टाइम में इसको ख़त्म करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद नहीं करना है कुछ भी, ये आपके लिए नहीं है, आपको ये क्लास 11वीं वालों के लिए है। आपका काम है सिर्फ इसको अच्छे से रीड करना और जहाँ पे लगता है वहाँ पे एक अंडरलाइन टिक मार्क करना। तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, पहला काम ये। 7 दिन का टाइम है, किताब का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। पूरी कंप्लीट बुक मुझे चाहिए, इसमें आपके टिक भी लगे हों तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्या बिल्कुल अच्छा है। दूसरा यहाँ पे आपका है इंडियन पॉलिटी की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ठीक है, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी, इसे पूरा आप करेंगे। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी हम शुरुआती दौर पे घटना चक्र को लेके चलेंगे। आपकी घटना चक्र में पहली घटना चक्र मैं ले रहा हूँ पर्यावरण की, एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की पूरी पर्यावरण की नहीं करनी है, ये पर्यावरण की घटना चक्र है। इसमें दोनों चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, अच्छी है। इसमें एक्चुअली में फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, सारे आयोगों को ले रखा है, लगभग हिंदी भाषी जितने भी आयोग हैं सबके क्वेश्चंस ले रखे हैं, और लगभग इसमें 26,265 क्वेश्चन हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चंस आपको एनवायरमेंट के मिलने वाले हैं। एनवायरमेंट में 90% केस में रिपीटेशन भी होता है, PCS में तो पक्का होगा, UPSC में करंट के बहुत ज़्यादा सेक्शन होते हैं। तो पहले एक बार आप इसका जितना भी क्वेश्चन है इसको करें, और इसको करना कितना है 125 पेज तक करना है, 125 पेज तक। मैं टॉपिक बता देता हूँ कौन सा है, ये पूरा लेटेस्ट है, 2019 की है, ये ध्यान रखिएगा, यही चाहिए मुझे। पुरानी यदि आपके पास है तो उससे काम चलेगा नहीं। वैसे 2018 वाली में शायद उन्होंने अपडेट किया था, ये जो आना है 2018 में भी है, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, 18 की भी हो तो भी चल जाएगी, लेकिन 19 की लेटेस्ट सबसे बेस्ट है इसमें, क्योंकि जो अभी एक साल के अंदर के क्वेश्चन होंगे वो भी इन्होंने अपडेट किए हैं। तो ये आपकी है 125 पेज तक, 100 पेज नंबर 125 तक कंप्लीट चाहिए इस वीक में। पहला सप्ताह है 125 पेज तक इसमें, यानी ये 50% आप कंप्लीट करेंगे, बाकी मैं अगले वीक में इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इससे आगे मत जाइएगा, यदि ज़्यादा हो रहा है आपका 50%, या आप बहुत कुछ लोग होंगे 7 दिन में कंप्लीट करेंगे, कुछ 6 दिन में भी कर सकते हैं। अगले मंडे तक की कहानी है, इस मंडे से अगले मंडे तक, अगले मंडे को नया टारगेट आ जाएगा, यानी अगले मंडे को आप पूरी तरीके से इसे कंप्लीट किए हुए मिलने चाहिए मुझे 50% तक ये, और ये पूरी कंप्लीट 100% ये कंप्लीट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए इसमें। एक रीडिंग हो चुकी होनी चाहिए, यदि किसी का ऐसा हो जाता है कि उसका 5 दिन में ही हो जाता है, 6 दिन में ही हो जाता है, तो वो इसको रिवाइज भी करना चालू कर दे, इसी को रिवाइज करे, इसी के 125 क्वेश्चन को रिवाइज कर, पेज को रिवाइज करे, नया नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। बहुत इजीली मैं इसको अभी लोड कम दे रहा हूँ आपको, पहले वीक में, पहले सप्ताह में बहुत मिनिमम लोड है, ताकि आप एक बार हैबिचुअल हो सकें इस कंडीशन से। अभी मैं ज़्यादा वो उस तरीके के टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसानी से। हाँ, एनसीईआरटी के पेज ज़्यादा नहीं है, 200 पेज के आस, 240 के आसपास हैं, और चूंकि इसमें बहुत दूर दूर तक लिखा हुआ है, बहुत दूर दूर लिखा हुआ है, मान के चलिए 200 पेज हैं इसमें, 200 पेज हैं, तो बहुत इजीली आप कर ले रहे हो, बहुत आसानी से। एक दिन में 40-50 पेज पढ़ना चाहिए मिनिमम, इससे कम जाए तो फिर तो अपराध ही है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये सिलेबस को ख़त्म करने का एक तरीका और है, मैं इधर पूरी एनसीईआरटी लेके चलूंगा, जितनी भी आपकी 35 से 36 एनसीईआरटी हैं, इधर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तो मैं आपका प्रीलिम्स का करवा रहा हूँ,
इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, पीसीएस के हैं, सभी पीसीएस के हैं, जितने भी हैं लोअर पीसीएस भी सम्मिलित हैं इसमें। दूसरा जो है मैं काम आपका करवा रहा हूँ, इसमें दूसरा आपका काम रहेगा, इसमें मैं मेंस के भी क्वेश्चन बाद में लेके चलूंगा, मेंस का भी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले पीटी के हो जाएं फिर मेंस में ले चलेंगे। तो पूरा टारगेट जब तक खत्म नहीं होगा, एक जितना टाइम लग जाए, मुझे नहीं पता कितना टाइम, कितने वीक लगेंगे, जितने वीक में कंप्लीट होना होगा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपका सेल्फ स्टडी करा देगा। तो आप सबको इसे फॉलो करना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ही रहेगा, ऑनलाइन बैच में जाएगा और ऑफलाइन में जाएगा। अभी चूंकि ये पहली क्लास रहेगा, पहला टारगेट है, तो शायद ये पब्लिश हो जाए, नहीं तो आगे जा करके आपकी क्लास में और ऑनलाइन बैच में जो रहेंगे बस दो के पास जाएगा टारगेट, क्योंकि वो बच्चे स्पेसिफिक इस वर्क को करेंगे, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक, तो ये काम आपको करना है इस वीक, मुझे कंप्लीट करके आपको ये देना है। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। ये आपको वर्क कहाँ कहाँ करेगा, ये तो पूरा मेंस में वर्क करेगा, पीटी में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा, पीटी में भी काम करेगा, ये आपका प्रीलिम्स में काम पक्का करेगा, और इसके फैक्ट आपको मेंस में भी काम करेंगे, यानी कि दोनों बोथ हैं प्रीलिम्स और मेंस के लेकर के। इसके बाद एक चीज़ और है, ये आपका यूपीएससी एग्जाम जितना भी है आपका, यूपीएससी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक कंप्लीट कराएंगी, प्लस साथ में आपका जितने भी स्टेट पीसीएस है, ऑल स्टेट पीसीएस, और जो छोटे मोटे एग्जाम है वो तो क्वालिफाई होने ही होने हैं, इसलिए आपको इसको बहुत फोकस तरीके से करिएगा। अगले वीक मिलेंगे, अगले वीक में अगला टारगेट दूंगा, लेकिन अगले वीक में कंप्लीट कर लीजिएगा, ऐसा ना रहे कि ये पेंडिंग पड़ा रहे, प्रेफरेंस देनी है। अब आपको करना ये है कि ये दोनों किताबें आपके हाथ में रहनी चाहिए 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब सो भी रहे हैं तो भी बगल में पड़ी रहे, रीज़न ये, उठे तो टाइम वेस्ट ना हो, इसको यूज़ करें आप, कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, कहीं भी उठें तो इन किताबों के साथ उठना बैठना खाना पीना आपका होना चाहिए, एक रिलेशन क्रिएट करिए इन किताबों से अपने टारगेट वालों से। बाकी का सेक्शन आप क्लास लीजिए, क्लास के बाद फिर जो भी टाइम बचता है फिर इसी पे लग जाइए, फिर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, एक मिनट का भी टाइम वेस्ट मत करिए, और अपने ऊपर आप दबाव लाइए, अनावश्यक दबाव नहीं है ये, जरूरी दबाव है, तो ये दबाव देंगे आपको और आपका काम करवाएंगे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल, पिछले साल के क्वेश्चन है भाई, पिछले साल के क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूरी है, आपको पता चलेंगे ना क्वेश्चंस, फैक्ट है, नॉलेज है, सब कुछ पूछा जा चुका है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कौन कहता नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, आप इसको पढ़िए, दोनों काम आपके होंगे, सारा काम होगा, आप क्यों 18 काम करेंगे, उसका अलग पढ़ रहे हैं, इसका अलग पढ़ रहे हैं, जब सिमुलेटेड काम किसी ने करके दिया किसी संस्था ने तो उस संस्था का यूज करिए, आप इतनी मेहनत थोड़ा ना कर पाएंगे कि केवल यूपीएससी, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, इससे आपको यूपीएससी के क्वेश्चनों का बेनिफिट पीसीएस में भी मिल जाएगा और पीसीएस के क्वेश्चन का बेनिफिट यूपीएससी में भी मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं, मोटी सी बात समझो, सिलेबस है जो इसमें पूछा गया है पिछले सालों में, पिछले 30 साल का क्वेश्चन पेपर है, वही रिपीट होना है, जो रिपीट होगा वो बेनिफिट देगा, और पीसीएस में 50% प्लस रिपीट होता आया है, आगे भी होगा, और यूपीएससी पीसीएस में भी होता है, दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि दोनों पाक साफ हैं, दोनों करते हैं, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चन का महत्व है, घटना चक्र अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू मी, केवल घटना चक्र से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा यदि कोई ये कहे, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, मैं केवल की बात नहीं कर रहा हूं कि केवल इसी से काम चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो मैं ये भी दे रहा हूँ ना आपको, बाकी आगे चल के एडवांस बुक को भी लाऊंगा मैं टारगेट प्रोग्राम पे, कि एडवांस बुक भी पढ़ना है आपको, लेकिन पहले एक बार एनसीईआरटी और ये दोनों कंप्लीट कराने के बाद, इसलिए बहुत सीरियसली इस पूरे प्रोग्राम को लेना है आपको, किसी भी तरीके से इसमें आपको थोड़ा सा भी बारीकी से भी वो नहीं करना है, कोताही नहीं बरतनी है, जितना कहता जाऊँ करते जाओ मेरे साथ, 6 महीने 7 महीने में कॉन्फिडेंस के साथ पाओगे कि एनसीईआरटी भी खत्म हो रही है और ये भी खत्म हो गया, और आराम से एग्जाम दोगे। अभी पीसीएस जो इस बार भी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत टाइम है, 2020 वालों के लिए तो पूरा इनफ टाइम है, पूरा मैदान खुला पड़ा है, 2020 में पक्का होगा, बस इसको कंप्लीट फॉलो कर ले जाओ तो, ठीक। चलो ये हो गई दो चीज़ें, एक आपका आंसर राइटिंग को लेकर चर्चा हो गई, दूसरा